अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज सना एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टुगेदर। कौन कहते हैं जी टमाटर के बगैर खाना नहीं बन सकता। मैं ट्राई करने जा रही हूँ शान की बिरयानी रेंज में से पुलाव बिरयानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो चीज़ चाहिए बिरयानी बनाने के लिए, उसमें शामिल है चिकन। मैंने ले लिया है 2 किलो चिकन, 2 चम्मच अदरक पिसी हुई, 2 चम्मच लहसुन पिसा हुआ, 1 कप दही, 1 अदद प्याज इसको बारीक काट लिया, 2 पत्ते तेज पात के, और जी शान का पुलाव बिरयानी मसाला। अच्छा जी, देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन आधा कप ऑयल ले लिया जी। इसको गर्म होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ऑयल जी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। आंच तेज कर देंगे और इसको हम लोग अच्छे तरीके से चिकन को ब्राउन होने तक बना लेंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, देखें कि चिकन ने कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये पुलाव बिरयानी मसाला। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी, साथ ही इसमें शामिल करूंगी ये तेज पात के पत्ते, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, और इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। ये देख लीजिए आप चिकन की शक्ल, ठीक है, ये अच्छे तरीके से बन रहा है। इसकी हम आंच जो है वो हल्की कर देंगे। और इसको ढककर हम लोग अब चिकन के गले तक बनाएंगे। इसको जी मैंने ढक दिया और अब इसका जब तक चिकन गल नहीं जाता इसको हम लोग बना लेंगे। जब तक जी चिकन बन रहा है तब तक मैंने दूसरे चूल्हे पे पानी रख दिया है। पानी में मैं 15 ग्लास पानी शामिल किया मैंने। इसमें मैं 3 चम्मच डाल दूंगी नमक के। पिंक सॉल्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी को मैं उबलने के लिए रख दूंगी और जब तक इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं हम चावल उबाल लेंगे अपने। चिकन जी मेरा गल चुका है, मैंने भी ट्राई किया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। दही जी शामिल कर लिया है, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी मैं और साथ साथ आंच भी तेज कर दूंगी। ताकि बकाया पानी जो है वो इस तरह कोरमे की शक्ल इख्तियार कर ले जो कि हम लोग बिरयानी में डाल सकें। इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस कोई भी ऐड नहीं की हैं सिवाय 2 पत्ते तेज़पात के, जो खुशबू के लिए मैंने वो शामिल किए। पुलाव में तेज़पात की खुशबू अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने कोई मसाला इसमें शामिल नहीं किया। दही जी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, इसको अब मैं छोड़ दूंगी। अब मैं इसको ढक्कन नहीं लगा रही देचके को, क्योंकि हम लोगों ने पानी ड्राई करना है। पानी में जी उबाल आ गई, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चावल जो हम मैंने भिगोए हुए थे। इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो लिया था चावलों को। 1 किलो चावल, ठीक है, मैंने इस पानी में शामिल कर दिए। इसको मैं अच्छे तरीके से उबाल लूँगी। चावलों को हमने मुकम्मल तौर पर नहीं उबालना, इतना उबालना है कि थोड़े से कच्चे कच्चे रह जाएं, क्योंकि हमने जब मसाला डाल के इसको दम देना है तो बाकी ये दम में गल जाएंगे। चिकन मसाला जी मेरा रेडी है, इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लें कि इसमें थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ दिया है, इसको कह सकते हैं तकरीबन 1/4 कप पानी मैंने छोड़ दिया, ठीक है। चिकन को जी ढक दूंगी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने ले लिया जी स्टील का एक कटोरा, ठीक है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैं शामिल करूंगी ऑयल, ऑयल को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। ऑयल जी गरम हो गया, इसमें शामिल करूंगी प्याज। जब तक जी प्याज ब्राउन हो रहा है, मीनवाइल चल के हम अपने चावलों को भी देख लेते हैं। चावल जी मेरे उबल चुके हैं, आप देख लें कि मैं चेक भी कर लेती हूँ। ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कसर इसमें बाकी रह गई है, मैं इसका पानी निकाल लूँगी। अब
चलें जी फ्रेंड्स, चलते हैं असम्बलिंग की तरफ। सबसे पहले हम देचके में एक तह चावलों की लगा लेंगे। नेक्स्ट पे हम लगाएंगे चिकन की, दूसरी तह लगाएंगे चावलों की, ये चिकन का जो ऑयल बचा था ये डालेंगे इसमें, आज बिरयानी मसाले की। प्याज जो हमने ब्राउन किया था और जर्दे का रंग सिर्फ एक साइड में शामिल करूंगी। दम जी मैं इसका खोलने लगी हूँ। वाओ कितने मज़े की शक्ल लग रही है इसकी। मैं चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, मैं आपको लुक दिखाती हूँ फिर इसकी फाइनल। मज़ेदार पुलाव बिरयानी जी हमारी रेडी है। कौन कहता है कि बिना टमाटरों के बिरयानी नहीं बन सकती। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।